तो हाय गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। सो बेसिकली हम एंजाइम्स की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट क्या था? एक्टिव साइट एक क्रेविस या फिर एक पॉकेट थी जिसके अंदर अपना सबस्ट्रेट फिक्स हो जाता था और वो कन्वर्ट हो जाता था अपने प्रोडक्ट में। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू अ रिएक्शन। अब अपने सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ये एक रिएक्शन कहलाता है। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इन टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। अब जो सब्सटेंस हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसको ही हम सबस्ट्रेट कहते हैं। हेंस एंजाइम्स दैट प्रोटीन विद थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट कन्वर्ट्स अ सबस्ट्रेट इन टू अ प्रोडक्ट। अब इसमें बताया गया कि एंजाइम्स वो चीजें होंगी, प्रोटीन एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स विथ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जिनमें की एक एक्टिव साइट होगी जो कि एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। उसको सिम्बॉलिकली डिपिक्ट किया गया है, एस को कन्वर्ट कर दिया हमने पी में, मतलब एस इज फॉर सबस्ट्रेट एंड पी इज फॉर द प्रोडक्ट। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड विद द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट विद इन अ गिवन क्लेफ्ट और अ पॉकेट। तो हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होता है? बेसिकली जैसा हमारा ये एंजाइम हुआ तो इसमें बहुत सारी एक्टिव साइट्स या फिर क्रेविसेस, क्लेफ्ट्स या पॉकेट्स जो भी आप कह लो वो प्रेजेंट होगी। तो मान लो ये एक एक्टिव साइट है जिसको मैं ऐसे एरो से मेंशन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर पहले हमारे जो सबस्ट्रेट है उसको फिक्स होना पड़ेगा, उसी के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो वही हमें बताया गया, द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज towards the active site, there is thus an obligatory formation of an ES complex, मतलब enzyme substrate complex। अब क्या हुआ कि जब हमारा substrate एक enzyme के साथ fix हुआ, मतलब उसकी active site में गया, तो अपना एक complex बनता है जिसको हम कहते हैं enzyme substrate complex, और ये obligatory है, मतलब ये बनेगा ही बनेगा। E stands for the enzyme, the complex formation is a transient phenomena। ट्रांजिएंट का मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए बनता है, ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं बनता। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। अब बेसिकली हो क्या रहा है, पोटेंशियल, हमें ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, हमें दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमें दिया हुआ है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन, जब सबस्ट्रेट अकेला पड़ा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें इस लेवल पे शो की गई है, लेकिन जब वो एंजाइम के साथ कंबाइन मतलब कनेक्ट हो रहा है तो उसकी एनर्जी स्टेट हमें यहां दी हुई है। सो इसको हमें समझना पड़ेगा कि एंजाइम ऐसा करता क्या है कि हमारा रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो हमें इधर दो केस बताए गए हैं इस डायग्राम में, एक दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और एक एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। अब एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो एक सबस्ट्रेट को चाहिए होगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप इन दोनों ग्राफ्स में कंपेयर कर सकते हो कि अगर हम एंजाइम का यूज कर रहे हैं तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम यूज हो रही है, लेकिन जब हम एक्टिव हम एंजाइम के बिना वो रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंजाइम हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन या फिर नीचे या कम कर देता है, इसलिए हमारा प्रोसेस भी फास्टर होता है। सो बेसिक फंक्शन एंजाइम का यही है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन भी जल्दी होता है। इस ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो सबस्ट्रेट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है अपने प्रोडक्ट के कंपेरिजन में, तो आप इसे कह सकते हो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि एनर्जी इज बींग रिलीज्ड, दिस पार्ट ऑफ द एनर्जी इज बींग रिलीज्ड, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। मान लो कि अगर ये ग्राफ यहाँ पे खत्म नहीं होता, कुछ इस लेवल पे खत्म हो जाता, तो इसमें अपने प्रोडक्ट की एनर्जी हाइयर लेवल पे होती, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता। तो आप इस ग्राफ से प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। नाउ वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कम्प्लीटेड द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट। अब इस ग्राफ में ये भी दिया हुआ है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बहुत छोटे टाइम के लिए बनती है, तो इस ग्राफ में हम इतना ही दिया हुआ है, हम अपनी
थ्योरी से पढ़ेंगे अब. इन अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट. अब जब हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो उस कॉम्प्लेक्स में कुछ बॉन्ड ब्रेक्स हो सकते हैं या कुछ बॉन्ड बन भी सकते हैं. नाउ इन बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग के बाद अपना प्रोडक्ट बन जाएगा. जब प्रोडक्ट बन गया तो वो एंजाइम से रिलीज हो जाएगा, मतलब द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम. इन अदर वर्ड्स द सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट. नाउ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम में हमारा जो एंजाइम है वो चेंज नहीं हुआ, मतलब वो एंजाइम किसी और प्रोडक्ट से भी अब अटैच हो सकता है. एंजाइम मतलब अपना जो कैटलिस्ट है वो यूज नहीं होता किसी भी प्रोसेस में. द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर. देयर कुड बी मेनी मोर ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट. हमने पढ़ा कि अपनी एक ट्रांजिशन स्टेट आती है सबस्ट्रेट्स और प्रोडक्ट के बीच में, पर यह जरूरी नहीं कि सिर्फ वही ट्रांजिशन स्टेट हो, और भी बहुत सारी ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स इन दोनों के बीच में आ सकती हैं, पर उनका जो टाइम स्पैन होगा बनने का वो बहुत ही कम होगा, इसलिए हम उनको इग्नोर कर रहे हैं. इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स आर अनस्टेबल. कि जितने भी अपने इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स बनेंगी वो अनस्टेबल होंगी, बहुत कम टाइम के लिए बनेंगी. स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर. अब स्टेबिलिटी को हम एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल से भी कंपेयर कर सकते हैं. अगर किसी मॉलिक्यूल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो वो काफ़ी कम अनस्टेबल होगा, मतलब अनस्टेबल होगा वो मॉलिक्यूल. लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी बहुत कम है तो वो हाईली स्टेबल होगा. तो इसका आप एनर्जी को एक प्रोडक्ट की या फिर किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी से आप कंपेयर कर सकते हैं. हिंस व्हेन वी लुक एट दिस पिक्टोरियली थ्रू अ ग्राफ इट लुक्स समथिंग इन द फिगर 9.6, जो कि हमने डिस्कस भी कर लिया. द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी, द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट. You would notice two things: the energy level difference between the substrate and the product. Product is at a lower level than the substrate. The reaction is an exothermic reaction. अब हमने पहले भी बात कर ली, product अपना graph में नीचे है और substrate ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारी reaction exothermic है, मतलब हमारी reaction में energy release हो रही है. उसके बाद the reaction is an exothermic reaction. One need not to supply energy in order to form the product. अब एक्सोथर्मिक में हमें एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड इन द रिएक्शन. एनर्जी देने की ज़रूरत हमें एंडोथर्मिक प्रोसेस में होती है. हाउएवर वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक और अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, द सबस्ट्रेट हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और अ ट्रांजिशन स्टेट. वही बात हुई कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें आउटर एनर्जी देनी पड़ेगी जिसके कारण हमारा रिएक्शन हो पाए. द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ द सबस्ट्रेट एंड दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इस ग्राफ की हेल्प से समझेंगे. इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये रहा अपनी सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल, और मान लो इस वाले ग्राफ में ये रहा अपने ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का लेवल. अब इन दोनों के एनर्जीज के लेवल के डिफरेंस को ही हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और अपने एंजाइम्स इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन फास्ट होता है. ये प्रोसेस आपको केमिस्ट्री में भी और डिटेल में आएगी. अब एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन एस टू पी मोर इजीली. अब ये हमें समझाया गया कि एक्टिवेशन एनर्जी is being reduced by the enzymes which makes her the reaction move faster and quicker, or isi karan enzymes apne catalyst ki tarah kaam karte hain. Ab isi ke sath apna ye topic khatam hota hai, hum apne agle topic se agle video mein shuru karenge.